हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड लर्नर। सो फर्स्ट हम इसको एक बार रन करके देखेंगे कि हमने क्या क्या कर लिया अभी तक। तो हमने यहाँ पे अभी तक देखा कि हम अभी तक सिर्फ सॉन्ग सेलेक्ट कर पा रहे हैं, हम इसको प्ले नहीं कर पा रहे, ना इसको हम स्टॉप कर पा रहे हैं, ना हमारे बटन मतलब कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको क्लोज करेंगे और अब हम इम्पोर्ट करेंगे। सो इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम पाईगेम, वी आर इम्पोर्टिंग मिक्सर। तो मिक्सर को इम्पोर्ट कर लिया हमने। उसके बाद हम फ्रॉम म्यूटाजन डॉट एम पी थ्री इम्पोर्ट एम पी थ्री। ठीक है, हमने म्यूटाजन से हमने एम पी थ्री को इम्पोर्ट कर लिया है, जिससे हमारे एम पी थ्री सॉन्ग चल जाएंगे। ठीक है, ओके एम पी थ्री। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे हम यहाँ से और हमारे प्ले बटन के पास आ जाएंगे अब हम। ठीक है, तो हम प्ले बटन के पास आ गए और हम लिखते हैं यहाँ पे कमांड दे देंगे इसको, कमांड इज इक्वल टू प्ले म्यूज़िक। ठीक है, हमने इसको प्ले म्यूज़िक दे दी कमांड और हम एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे। हम पहले एक कमांड क्रिएट कर लेते हैं एक्शंस के नाम से, क्योंकि हम इसको एक्शंस परफॉर्म करेंगे, तो हमने इसका एक्शंस दे दिया। तो अब हम डेफ प्ले म्यूज़िक, ठीक है प्ले म्यूज़िक, और हम क्या करेंगे एक सिलेक्टेड सॉन्ग लेंगे, जो हमने सॉन्ग सेलेक्ट करा है इसलिए हमने सिलेक्टेड सॉन्ग ले लिया। नेम ऑफ द वेरिएबल जिसके अंदर इज इक्वल टू, हमने अगर एक लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट करें तो हमने लिखा लिस्ट बॉक्स डॉट कर सिलेक्शन। एक वो होता है कर सिलेक्शन मेथड है जिसे पता लगेगा हमने कौन सा सॉन्ग सेलेक्ट करा है। ठीक है, तो सिलेक्टेड सॉन्ग इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ना टूपल में आएगी, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे अभी। इंट सिलेक्टेड सॉन्ग ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए लिया है क्योंकि अभी आप देखना एक बार ट्यूपल आउटपुट में, इसको एक मिनट कमेंट कर देते हैं हम और प्रिंट कर देते हैं प्रिंट सिलेक्टेड सॉन्ग, ये हम एक ट्यूपल रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हम इसको क्लोज करेंगे। हमने सॉन्ग सॉरी अभी नहीं करेंगे, पहले हम सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे फिर हम इसको क्लोज करेंगे, प्ले करेंगे और क्लोज कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे ट्यूपल रिटर्न कर रहे हैं नीचे हमारी आउटपुट में, ठीक है, जिसमें 6 है। तो अब हमें करना है इसको अनकमेंट करा और इस प्लेस हम इसको प्रिंट वाली लाइन को हम नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखना सिर्फ हमें 6 मिलेगा। ठीक है, हमें ट्यूपल नहीं मिलेगा, वो हमें सिर्फ 6 मिलेगा, तो हम इससे प्लेलिस्ट में हम 6 सॉन्ग प्ले करवा लेंगे। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे हमें सिर्फ 5 मिलेगा, क्योंकि हमने पहले 6 करा था, 5 सॉन्ग सेलेक्ट करा है, तो हमें सिर्फ 5 ही मिला है। ठीक है, तो हम इसको क्लोज करेंगे और अब इसको हमने रिमूव कर दिया और हम इसको क्या करेंगे प्ले इट डाल देंगे, क्योंकि हमें इसको प्ले करना है ना। तो प्ले इट इज इक्वल टू जो हमारी लिस्ट है उसका नाम आ जाएगा प्ले लिस्ट। ठीक है, प्ले लिस्ट उसके अंदर हम डाल देंगे सिलेक्टेड सॉन्ग। ठीक है, जो सिलेक्टेड सॉन्ग के अंदर एक वैल्यू है जो प्ले लिस्ट के अंदर से हमारा वो सॉन्ग प्ले इट के अंदर डाल देंगे। तो क्या करेंगे मिक्सर डॉट म्यूजिक डॉट लोड कर देंगे हम पहले इसको। ठीक है, हमने म्यूजिक को लोड कर दिया, उसके बाद हम इसको प्लेट कर देंगे, मतलब प्लेट डाल दिया उसके अंदर और हम प्लेट को या प्ले कर देंगे मिक्सर डॉट म्यूजिक डॉट प्ले। ठीक है, जो म्यूज़िक लोड हुआ है वो प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इससे पहले हम करेंगे, बट हमने ना मिक्सर को इंपोर्ट किया लेकिन इनिशियलाइज नहीं करा, तो हम ये करेंगे मिक्सर डॉट इन इट। ठीक है, मिक्सर डॉट इन इट। ठीक है, अब हम इसको सेव करके रन करेंगे। ठीक है, तो अब हमने सॉन्ग सेलेक्ट किया, स्क्रॉल करते हैं पहले हम इसको, ठीक है लास्ट से लेते हैं हम, यहाँ से हमने सॉन्ग सेलेक्ट किया और हमने कर दिया प्ले। लेकिन अभी ठीक है, तो हम इस पे अब पॉज के बटन पे हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम पॉज पे आ जाएंगे अब। ठीक है, वहाँ पे हम डाल देंगे कमांड
पॉज बटन, पॉज पे जाएंगे हम, पॉज यहाँ पे, हाँ हमें डाल देंगे कमांड इज इक्वल टू पॉज म्यूजिक, ठीक है। और हम ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे डेफ पॉज म्यूजिक, ठीक है, पॉज म्यूजिक। इसके अंदर करेंगे हम पॉज बटन है उसको हम कर देंगे ग्रिड रिमूव, क्योंकि हमें रिज्यूम का बटन शो करना है उस जगह, ठीक है। तो हमने पॉज बटन वो कर दिया रिमूव, ग्रिड रिमूव, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया रिज्यूम बटन को हमने कर दिया ग्रिड, ताकि उसी जगह पे हमारा ग्रिड बटन शो हो जाए, ओ सॉरी रिज्यूम बटन ग्रिड हो जाए, ठीक है। तो हमारा ग्रिड बटन हो गया। और हमें कर देंगे इसको अब मिक्सर डॉट म्यूजिक डॉट पॉज, पॉज करना बड़ा ईजी है म्यूजिक को, ठीक है। तो वह सब सेव करके रन कर देंगे हम, देखना आप। हम हमारा सॉन्ग चलाते हैं वापस वही वाला, ठीक है। अब पॉज हो गया म्यूजिक, बट इस पर क्लिक कर रहे हैं हमारा रिज्यूम फंक्शन काम कर रहा है। तो अब हम रिज्यूम बटन पे एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ताकि हम जब रिज्यूम बटन पे क्लिक करें तो हमारा म्यूज़िक रिज्यूम हो जाए, मतलब वहीं से चल जाए जहाँ से पॉज हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कमांड दे देंगे रिज्यूम म्यूज़िक, ठीक है। और उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे जैसा हमने सब पहले भी किया है, ठीक है, डेफ रिज्यूम म्यूज़िक, ठीक है, रिज्यूम म्यूज़िक कॉलन यहाँ पे लिख देंगे। अब हम रिज्यूम बटन डॉट ग्रिड रिमूव, ठीक है, हम इसको ग्रिड रिमूव कर दिया रिज्यूम बटन, ताकि हमारा वापस पॉज बटन शो हो जाए वहाँ पर, ठीक है। और मिक्सर डॉट म्यूज़िक, अब हम हमारा म्यूज़िक को अनपॉज कर देंगे, ठीक है, मिक्सर डॉट म्यूज़िक डॉट अनपॉज। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा हमें बटन जो ग्रिड करना है आपने मुझे पहले ही बोल दिया होगा, ठीक है। तो पॉज बटन डॉट ग्रिड, अब इसको सेव करके रन करेंगे हम, ठीक है। अब हमारा वही सॉन्ग सिलेक्ट करेंगे हम और प्ले कर देंगे, ठीक है। अब हमारा पॉज हो गया, ठीक है। स्टॉप हमारा वर्किंग नहीं कर रहा, अभी क्लोज करेंगे हम इसको। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टॉप बटन और बाकी बटन्स करेंगे, ठीक है।